इस बैक्टीरिया के अंदर के सेल सेल वॉल रहता है, बीच में सेल वॉल रहता है, वो इस जो मैट होता है जो बड़ा हुआ होता है वो लेयर से है ना, तो बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको हम ग्लाइकोकैलिक या फिर कैप्सूल लेयर कहते हैं, ठीक है, जो कि बना हुआ होता है पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड एक प्रकार का सुगर है, बता चुके हैं पॉलीसेक्राइड एक प्रकार का सुगर, जिसमें देखो कैप्सूल लेयर साफ साफ दिखा हुआ है, कैप्सूल जिस प्रकार से आप लोगों को कैप्सूल दिखता है ना, कैप्सूल के बाहर एक कोट रहता है सुगर का कोट, ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर भी कैप्सूल लेयर दिखता है, वही हमको इंडिकेट होता है, ठीक है। आगे बोलो, जैसे जो बैक्टीरिया के अंदर एक और दूसरा एक स्ट्रक्चर है बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला फ्लैजेला जो बैठ होता है फ्लैजिंग प्रोटीन से, यह एक प्रक्रिया का एक वैसे मोटर के काम करता है जो प्रक्रिया को चलने में मदद करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसके बेसल बॉडी पर कुछ मोटर्स और कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के फ्लैजेला को घुमाने का काम करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। बैक्टीरिया के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो मैट होता है, जो बना हुआ होता है लिपिड से और प्रोटीन से, लिपिड्स से, और बैक्टीरिया के अंदर एक छोटे छोटे पॉइंट जो दिख रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म समझ में आया?